और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में इन दिनों असुरक्षित एम्बुलेंस दौड़ रही है। सड़कों पर स्वास्थ्य सेवा देने वाली एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के कर्मचारी नहीं है। सुरक्षित आदिवासी जिला होने के नाते यहाँ के सारे सिस्टम भी आदिवासियों की तरह ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एम्बुलेंस के नाम पर ओमनी वैन को ही एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। आरटीओ और स्वास्थ्य विभाग को नहीं है किसी भी प्रकार के टेकन, चाहे कोई मरे या फिर मलाई खाते रहे, लेकिन अधिकारी पूरे सिस्टम से अनभिज्ञ है। मामला अनूपपुर जिले के कोतमा मनेंद्रगढ़ नेशनल हाईवे का है, जहां पर दो एम्बुलेंसों का जमकर आपस में भिड़ंत हो गई है। दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी मारुति ओमनी है तो दूसरी मजबूत गाड़ी फोर्स की तूफान मारुति। ओमनी में सवार और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति का पैर टूट गया है, घुटने की बगल में हड्डी टूटकर बाहर आ गई है, खून की उल्टी हुई है चालू और कुछ लोगों को चोट भी आई है। बता दें कि किसी के खरोंचे आई हैं तो किसी को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को शहडोल मेडिकल में रेफर कर दिया है। घटना से आपकी रूह कांप उठेगी और सिस्टम की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देने लगेगी। से कुतवा रोड सांधक पर, कुतवा रोड सांधक पास हुआ था। कैसी स्थिति थी उस समय? स्थिति तो ये है, दो लोगों की गंभीर हालत है, दो तीन लोग और मतलब घायल है। एक जन का पूरी तरीके तीन चार जगह पैर टूट गया है, हड्डी बाहर निकल गया है। एक जन के सिर में बहुत ज्यादा है, गहरी चोट है। दो लोगों की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार करके और जो भी संभव है इस जिला अस्पताल में उसको कर दिया गया है और तत्काल उनको शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है ताकि आगे उपचार की व्यवस्था की जा सके।